सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं फॉर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे तो हम पढ़ रहे थे पी एल उसमें हमारा टॉपिक था कर्सर। कर्सर में हमने कर्सर की डेफिनेशन देख ली उसके बाद में कर्सर के टाइप देख लिए, कर्सर के दो टाइप देखे सिंपल कर्सर और पैरामीटराइज कर्सर ठीक है तो आज हम देखेंगे सेकेंड टाइप कर्सर का जिसका नाम है पैरामीटराइज कर्सर पैरामीटराइज कर्सर क्या होता है पैरामीटराइज कर्सर वो कर्सर होता है जो कि कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ठीक है पैरामीटर एक्सेप्ट करके क्या वो करेगा वो डायनेमिक रिजल्ट जनरेट करेगा जो पैरामीटर उसे पास किया है रन टाइम पे उसी के अनुसार रिजल्ट है वो फेच करके लाएगा तो इट इज ए टाइप ऑफ कर्सर दैट इज यूज टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ द कर्सर कॉन्सटेंटली डिपेंडिंग अपॉन ए वैल्यू पास जो वैल्यू पास करेंगे पैरामीटर के रूप में कर्सर को उसी के अनुसार रिजल्ट फेच करके लाएगा सिंह से कर्सर एक्सेप्टीटर इज कॉल्ड ए पैरामीटर क्योंकि वैल्यू एक्सेप्ट करता है इसलिए इसको पैरामीटर बोलते हैं द पैरामीटर कन भी आई ए कॉन्स्टेंट और ए वैल्यू या वेरियबल पैरामीटर रूप में आप वेरियबल पास कर सकते हो या एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पास कर सकते हो इसका सेंटेक्स होगा पहले हम कर्सर कीवर्ड लिखेंगे फिर कर्सर का नेम और उसके बाद में उसमें पैरामीटर पास करेंगे फिर उसको क्वेरी के साथ एसोसिएट करेंगे जैसे एग्जांपल है कर्सर कर्सर का नाम है सी वन उसको हमने एक वेरिएबल लिया है डी ठीक है वो वेरिकल टाइप का है जिसमें जिसकी लिमिट कितनी होगी ट्वेंटी फाइव करेक्टर्स होगी फिर उसको सेलेक्ट क्वेरी के साथ एसोसिएट किया कि सेलेक्ट क्वेरी से हम सेलेक्ट क्वेरी में दिया कि सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्व टू डी कि जिसका डिपार्टमेंट डी है डी मतलब ये पैरामीटर ठीक है ये पैरामीटर में जो भी वैल्यू देंगे उसके अनुसार डिपार्टमेंट के वाइज सैलरी भेज करके लाएगा द जनरल फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग पैराटरा सर कर्सर को ओपन करने का जनरल फॉर्मेट है कि ओपन और नेम ऑफ द कर्सर सर और पैरामीटर ठीक है जैसे ओपन कर्सर ओपन किया सी उसमें पैरामीटर पास किया डीपी ठीक है ये कर्सर को ओपन करने का तरीका है पैरामीटर कर्सर को अब देखते हैं स्कोप क्या होता है पैरामीटर का तो स्कोप ऑफ पैरामीटर दैामीटर इज लोकल टू द करसर विच मीन्स दैट दे कैन बी रेफरेंस्ड ओनली विद इन द क्वेरी डिक्लेयर इन द डिक्लेरेशन जिस सेक्शन में हम के क्वेरी के साथ सेलेक्ट क्वेरी के साथ पैरामीटर पैरामीटरा को एसोसिएट कर रहे हैं ठीक है फिर केवल उसी के सेलेक्ट क्वेरी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं बाकी की जो इसके स्कोप में नहीं आती उस क्वेरी में हम जो पैरामीटर पैरामीटराइकर उसको यूज नहीं कर सकते ओके फ्रेंड्स अब हम बी एल एसूल में देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है एक सिचुएशन होती है जिसमें कि कोई भी एक्सेप्शन बोलते हैं रन टाइम जो भी एरर आती उसको है उसको एक्सेप्शन बोलते हैं फिर उसको हैंडल करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग तो एरर्स कितने टाइप की होती है उसको हम देखते हैं एरर्स किन 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 कारण से जनरेट होती है वो देखते हैं थ्री टाइप्स ऑफ एरर होती है पहली है सिंटेक्स एरर सिंटेक्स एरर क्या होती है सिंटेक्स एरर जब एक प्रोग्रामर है वह किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंसेप्ट है उसको नहीं जानता फिर उसके कारण जो एरर आती है उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर ऑल्सो नाउन एज इसको कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं क्योंकि ये जब प्रोग्रामर है प्रोग्राम को कंपाइल टाइप करेगा तब ये एरर आएगी दीज टाइप्स ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू द लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके कारण सेंटेक्स एरर आती है एरर लॉजिकल एरर लॉजिकल एरर क्या होती है इसमें क्या प्रोग्राम तो सही टाइप किया है लेकिन उसमें लॉजिक गलत लगा ठीक है।, है तो उसके कारण जो एरर आती है उसको होते हैं लॉजिकल एरर दीज एरर्स अकर्स वेन प्रोग्राम डज नॉट नाउ हाउ टू कोड प्रोग्राम प्रोग्राम ये नहीं जानता कि कोड कैसे करना है उस समय लॉजिकल एरर आ जाती है ठीक है फिर थर्ड टाइप की एरर रन टाइम एरर रन टाइम एरर क्या होती है ये रन टाइम एरर जब प्रोग्राम को रन कराते हैं एग्जीक्यूशन के समय जो एरर आती है उसको बोलते हैं रन टाइम एरर जैसे रन टाइम एरर का नॉर्मल एग्जाम्पल है जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से तो ये रन टाइम एरर है प्रोग्रामर प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट आफ्टर गिविंग वैल्यूज बिकॉज यूजर गिविंग रॉन्ग वैल्यूज वाइल इनपुटिंग डाटा सच एरर्स आर नाउन एज रन टाइम एरर

ठीक है जो कब अक्कर होता है जो कब कॉल होगा जब एक कोई एरर अक्कर होगी कोई एरर प्रोग्राम में आएगी रन टाइम एरर तो उस समय वह ब्लॉक कॉल होगा फिर उसको हैंडल किया जाएगा एक्सेल हैंडलिंग ब्लॉक के द्वारा ओके फ्रेंड्स